स्मृतिकार ने लिखा है, धन होने के बाद जो दान नहीं देता है वह दूसरे जन्म में दलिद्र होता है, और जब दलिद्र होता है तो फिर उससे पाप होते हैं, और जब उस दरिद्र से पाप होते हैं तो बार बार दरिद्र बनता है। इसलिए दरिद्रता से बचने के लिए धन हो तो दान देना चाहिए। और पद्म पुराण की बात बता दें, मुझे यह भी श्लोक बहुत प्रिय लगा। पद्म पुराणकार ने एक बात बड़ी रसीली कही, किसी भिखारी को हम जब देखते हैं ना तो कई लोग बड़े नाराज होते हैं, कहां से आ गया, हमारी यात्रा खराब कर दी, मांगने के लिए चला आया। वो कहते हैं ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, वो भिखारी आकर हमको शिक्षा दे रहा है कि जैसे तुम हो वैसे कभी हम भी थे, किंतु होने पर हमने नहीं दिया इसलिए हमको दर दर पर मांगना पड़ता है। अगर तुम नहीं दोगे तो बाद में तुमको भी ऐसे दर दर ही मांगना पड़ेगा। भिखारी हमको शिक्षा देता है। एक बार हमारी वृंदावन में कथा थी और बिहारी जी से बड़ी शोभा यात्रा निकली, तो महाराज एक भिखारी वो शोभा यात्रा में, बहुत सारे दिल्ली के लोग थे करवाने वाले कथा, तो बिहारी जी से निकाला था, अपना तो कोई आग्रह वाग्रह होता नहीं कहीं से निकालो न निकालो, तो एक भिखारी उठा भीख मांग रहा था और हमको 5 रुपया दिया और प्रणाम किया, हमने तुरंत ले लिया। वैसे हम जल्दी लेते नहीं हैं, बड़ा नोट लेते छोटा नहीं पकड़ते, बड़ा कोई दे दे तो फिर तो छोड़ता नहीं। अब 10-5 रुपया क्या लिया जाए, 2-4 लाए तो लंबा मामला हाथ फैलाया जाए, तो हमने तुरंत ले लिया और प्रणाम किया। तो सेठों को लगा कि महाराज भिखारी का क्यों ले लिए, इनके पास तो कमी नहीं, पैसा मांगते नहीं। हमने तुरंत अपने सेवक को दिया, हमने कहा ये नोट संभाल के रखना, ये हमारी शिक्षा के लिए है कि मिलने के बाद यदि तुम देना नहीं चालू करोगे तो तुमको भी रोड के किनारे ही बैठना पड़ेगा हाथ फैला करके। इसलिए धन हो तो देना चाहिए, और समय पर देने का महत्व तो ज्यादा है।